Bismillahir Rahmanir Raheem. Assalamu alaikum, friends. This is your English lesson. After completing the reading of your number 3, The Earthworm, today we are going to discuss the reading comprehension and vocabulary section given in your course book. So let's start uh, with page number 32. Reading comprehension. Circle the answer that supports the statement. एक सेंटेंस दिया हुआ है उसके नीचे फोर ऑप्शंस दी हुई हैं ए बी सी और डी हमने उसमें से एक ऑप्शन को टिक करना है जो ऑप्शन ऊपर दिए हुए सेंटेंस को सपोर्ट करती है उसको वोट कर रही है उसको फेवर कर रही है क्लियर सो लेट्स डू अर्थवॉर्म्स कैन ग्रो टू डिफरेंट लेंथ्स अर्थ वॉम्स की लेंथ डिफरेंट होती है ए ऑप्शन इज अर्थवॉर्म्स आर नॉन लिविंग थिंग्स नो इट डजेंट सपोर्ट नंबर टू ऑल अर्थवॉर्म्स ग्रो अप टू द सेम साइज सब अर्थवॉर्म्स एक साइज के होते हैं ये भी उसको सपोर्ट नहीं करता क्योंकि उसमें ये कहा जा रहा है कि डिफरेंट लेंथ्स के होते हैं सी अर्थफॉर्म्स डू नॉट ईट डी सम अर्थवॉम्स कैन बी क्वाइट लॉन्ग कुछ अर्थवॉर्म्स काफ़ी लॉन्ग होते हैं यस दिस सेंटेंस स्पोर्ट्स द फर्स्ट स्टेटमेंट सो इट्स आंसर इज डी नंबर टू अर्थ फॉर्म्स आर यूजफुल यूजफुल मीन्स बेनिफिशियल फ़ायदा मंद हैं जब देखिए आप यूज़ के साथ हमने फुल लगाया हुआ है ठीक है जब किसी वर्ड के साथ फुल लग जाता है इसका मतलब होता है कि उसके साथ उसके अंदर वो चीज़ है मींस यूज़ के साथ अगर फुल लगाया गया है तो इसका मतलब है कि ये फ़ायदा मंद है और अगर यूज़ के साथ लेस लगा दिया जाए या किसी भी और चीज़ के साथ लेस लगा दिया जाए तो इसका मतलब होता है कि वो चीज़ उसके अंदर मौजूद नहीं है फॉर uh, एग्ज़ाम्पल अगर हम इसके आगे यूज़फुल की जगह यूज़ लेस लगा देते तो इसका मतलब था कि विदाउट बेनिफिट उसका कोई फ़ायदा नहीं था ठीक है एक्स्ट्रा थिंग थी बिल्कुल यूजलेस थिंग बेकार चीज़ लेकिन अब यूज़फुल है तो इट मीन्स कि ये भरपूर फ़ायदा मंद चीज़ है अर्थ वॉम्स आर यूजफुल ए ऑप्शन इज अर्थ वॉम्स स्पॉयल द सॉइल अगर अर्थ वॉम्स स्पॉइल करें सॉइल को स्पॉइल मीन्स खराब करें तो फिर वो यूज़फुल तो ना हुए ठीक है हमने देखना है कौन सा सेंटेंस हमें यह बता रहा है कि अर्थ यूजफुल हैं और इनका ये फ़ायदा है बी अर्थ फॉर्म्स कैन बी स्टेप ऑन अर्थ के ऊपर हम चल सकते हैं दिस इज ऑल्सो रॉन्ग हमने टेक्स्ट में पढ़ा है कि वी शुड नॉट स्टेप ऑन अर्थ सी अर्थ फॉर्म्स स्लीप ऑल डे वो सारा दिन सोते रहते हैं अर्थ हेल्प प्लांट्स ग्रो अर्थवॉर्म्स का क्या फ़ायदा है कि वो प्लांट्स को ग्रो होने में हेल्प आउट करते हैं सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी अब हेल्प आउट आपको बताया था कल कि किस तरह से करते हैं वो ज़मीन के अंदर टनल्स डिग करते हैं होल्स बनाते हैं जिसकी वजह से रेन वाटर और ऑक्सीजन एयर जो है वो अर्थ के नीचे तक जाती है एयर और वो प्लांट्स ग्रोथ में हेल्प आउट करती है नंबर थ्री अर्थवॉर्म्स डिग टनल्स टनल्स खोद लेते हैं डिग होता है खोदना कट करके ज़मीन को टनल्स बनाना होल्स बनाना ए ऑप्शन इज इस अर्थ वॉर्म्स क्रॉल ऑन लीव्स लीव्स के ऊपर क्रॉल करते हैं क्रॉल होता है जैसे छोटे बेबीज चलते हैं फर्श के ऊपर चलते हैं तो उसको क्रॉल कहते हैं लेकिन ऐसा तो नहीं है अर्थवॉर्म्स बिल्ड रोड्स रोड्स कैसे बिल्ड कर सकते हैं वो नंबर सी अर्थफॉर्म्स में बी लिटिल छोटे हो सकते हैं बट दे कैन मूव डर्ट एंड डिग टनल्स इन द ग्राउंड येस दिस इज द आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन जो हमें बता रहा है टनल्स के बारे में कि वो छोटे हैं लेकिन दे कैन डिग टनल नेक्स्ट इज पार्ट बी मार्क्स सेंटेंसेज एज ट्रू और फॉल्स पेज नंबर थर्टी फाइव रीड द फर्स्ट सेंटेंस अर्थ वॉम्स आर ब्राउन और रेड इन कलर अर्थवॉम्स का कलर ब्राउन या रेड होता है दिस इज ट्रू सेंटेंस सो मार्क टिक एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस नंबर टू अर्थवॉर्म्स हैव आर्म्स एंड लेग्स अर्थ वॉम्स के आर्म्स और लेग्स होते हैं This is false. Number three, earthworms eat. Earthworms eat with the help of teeth. Earthworms teeth ki help se khatein. This is false because earthworms do not have teeth. So this is false. You will write F. नंबर फोर अर्थवॉर्म्स हैव विजन एंड कैन फील टू अर्थवॉर्म्स देख सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं येस दिस इज करेक्ट बिकॉज वी हैव रेड इन द टेक्स दट अर्थ वम्स कैन सी लाइट एंड फील द टच सो इट्स ट्रू नंबर फाइव अर्थ वॉर्म्स लिव फॉर अ फ्यू मंथ्स नो अर्थ वॉर्म्स कैन लिव

जस्ट फोकस ऑन द वर्ड हार्म फुल हाम मीन्स नुकसान फुल विद जब हम किसी वर्ड के साथ फुल लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो क्वालिटी उसके अंदर अब मौजूद है जैसे हार्म वर्ड है नुकसान हार्म के साथ फुल लगाया इट मीन्स के ये नुकसान दे है इसके अंदर नुकसान मौजूद है बट ऑन द अदर हैंड इफ़ वी एड लेस अगर हम हार्म के बाद लेस लगा देंगे तो इसका मतलब होगा कि इसके अंदर हाम नहीं है हार्म लेस विद आउट हाम, हाम बगैर किसी नुकसान के सो फुल मीन्स विद डैट पर्टिकुलर क्वालिटी एंड लेस मीन्स विद आउट दैट पर्टिकुलर क्वालिटी पार्ट सी मैच द सेंटेंसेस दैट द सेम थिंग टू कॉलम्स आर गिवन और एक जो ए कॉलम है लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं इसमें जो स्टेटमेंट में बत, बात बताई जा रही है वही बात इन अदर वर्ड्स दूसरे कॉलम में लिखी गई है आपने उनको स्टेटमेंट्स को मैच करना है कि कौन सी बात कौन से सेंटेंसेस में सेम बात हो रही है सेम पॉइंट पे बात हो रही है और उनको मैच कर देना है अर्थवॉम्स कैन रीग्रो डैमेज बॉडी पार्ट्स अपने डैमेज बॉडी पार्ट्स रीग्रो करने की एबिलिटी होती है अर्थवॉर्म्स के अंदर सो लेट सी इट्स आंसर सम लिव नियर द टॉप सम डीपर बिलो द ग्राउंड नो

ये उसी की कॉन्टीन्यूटी है और उसी के बारे में बात हो रही है फर्दर बताया जा रहा है सॉइल में कि सॉइल में तो रहते हैं लेकिन कुछ टॉप सॉइल में रहते हैं और कुछ डीपर रहते हैं नंबर थ्री अर्थवॉर्म्स आर हार्मलेस अब लेस है हार्म के आगे तो इट मीन्स कि इसमें हार्म नहीं है विदाउट हार्म अर्थ वॉर्म्स आर हार्मलेस सो लेट्स फाइंड इट्स आंसर अर्थवॉम्स में बी स्मॉल बर्ड्स और स्मॉल एनिमल्स ईट अर्थव अर्थव हर्ट नो वन क्योंकि वो किसी को हर्ट नहीं करते सो विल मैच एट विद दिस सेंटेंस अर्थवॉर्म्स कैन बी ईट एन अपाया जा सकता है सो बर्ड्स और स्मॉल एनिमल्स ईट अर्थव्स Earthworms may be little earthworms may be small small word is used in place of little. So we have got two crosses and one straight line. Our next task is vocabulary section. So let's learn what is suffix. A suffix is, अ लेटर एक सिंगल लेटर होगा और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स या कुछ लेटर्स वन सिंगल लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स मीन टू थ्री फोर फाइव लेटर्स माइट बी एडिड एट द एंड ऑफ अ वर्ड जो हम किसी वर्ड के एंड पे ऐड करते हैं ऐड करना मतलब इजाफा करना लगाना जब हम किसी चीज़ के एंड पे ऐड कर देते हैं उसको मतलब होता है कि हम उसमें जमा कर देते हैं उसमें लगा देते हैं विच मेक्स अ न्यू वर्ड और उससे फिर नया वर्ड बन जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल मेंट लगाते हैं हम जैसे इन्जॉय के आगे हम लगाते हैं इन्जॉयमेंट पनिश पनिश सज़ा देना किसी को पनिशमेंट सजा लेस हम किसी चीज़ के आगे मैंने आपको अभी हार्म की एग्जाम्पल बताई है हार्म लेस और हार्म फुल लेस इसी तरह से आई एन जी भी कुछ वर्ड्स के आगे लगता है वोकेबलरी वी कैन यूज़ द सफिक्स फुल एंड लेस टू फॉर्म एजिक्टिस् हम एजिक्टि बनाने के लिए ये टू सफिक्सिस लगाते हैं सफिक्सेस वो वर्ड्स होते हैं ग्रुप एक वर्ड भी हो सकता है या एक से ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं जो हम किसी वर्ड uh, के आगे सॉरी एक लेटर या एक से ज़्यादा लेटर्स भी हो सकते हैं जो हम किसी वर्ड के आगे ऐड करते हैं न्यू वर्ड बनाने के लिए और वो जो न्यू वर्ड बनता है वो होता है एडजेक्टिव हाम हाम जो है ये बेसिकली एक नाउन है नुकसान ठीक है अब नाउन तो के आगे हमने फुल लगा दिया हार्म फुल तो ये एडजेक्टिव बन गया नाउन के आगे हमने लेस लगा दिया हार्मेस तो ये एडजेक्टिव बन गया इसी तरह से हेल्प वर्ड है तो हेल्प एक नाउन है वर्ब के तौर तो पे भी, भी यूज होता है आई हेल्प हिम लेकिन आई नीड योर हेल्प इसमें एज अ नाउन यूज़ हो रहा है ठीक है तो इसको इसके आगे अगर हम हेल्पफुल लगा देंगे या हेल्पलेस लगा देंगे तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा वेन द सफिक्स फुल इज़ एडेड टू अ वर्ड जब हम फुल को किसी वर्ड के साथ ऐड करते हैं इट यूजली मीन्स आमतौर पे इसका मतलब होता है विद आपको पीछे एक्सप्लेन किया है कि जिस वर्ड के आगे हम इसको एड करेंगे वो क्वालिटी उस वर्ड में आ जाएगी ठीक है और अगर हम उसके एंड पे लेस लगा देते हैं वेन द सफिक्स लेस इज़ एडिड टू अ वर्ड इट यूजली मीन्स विदाउट तो इसका मतलब होगा कि वो क्वालिटी वर्ड में से निकल गई पावरफुल ठीक है फुल है तो इसका मतलब है कि पावर मौजूद है पावरलेस है तो इस इट मीन्स के विदाउट पावर हार्मफुल और हार्मलेस हार्मफुल है तो उसके अंदर नुकसान करने की क्वालिटी है हार्मलेस है तो उसके अंदर नुकसान पहुंचाने की क्वालिटी नहीं है डीज पिक्चर्स आर गिवन इन योर कोर्स बुक अर्थफॉर्म्स आर वंडरफुल वंडर इज द बेस वर्ड वंडर हैरत फुल हमने आगे उसके ऐड कर दिया है दिस इज़ कॉल्ड सफिक्स मतलब कि इनके अंदर वंडर होता है वंडरफुल मीन्स विद वंडर हैरान कन द फॉल वॉज पेनफुल अब बच्चा स्लाइड कर रहे हैं या गिर गया यहाँ से तो द फॉल उनका बच्चे का गिरना वॉज पेनफुल अब उनको बच्चे को पेन हुई है ठीक है अगर बच्चे को पेन ना होती बच्चा मज़े से नीचे आ रहा होता तो फिर हम यहाँ पे पेनफुल ना लिखते हम क्या करते हम लेस लगाते पेन लेस ठीक है पेनफुल मींस मीन्स विद पेन पेन लेस मीन्स विद आउट पेन ही वॉज केयरलेस एंड ट्रिप्ट वो केयरलेसली भाग रहा था और गिर गया ट्रिप होता गिर जाना ठोकर लग के या लड़खड़ा के गिर जाना ही वॉज केयरलेस अब केयर केयर इज़ अना एहतियात ठीक है एहतियात करना किस चीज़ की एहतियात करना अगर इसके आगे हम लेस लगा देंगे तो इट मीन्स कि एहतियात नहीं थी अगर हम इसके आगे फुल लगा देंगे तो इट मीन्स एहतियात थी ठीक है तो केयरलेस विदाउट केयर केयरफुल विद केयर द इंसेक्ट बाइट वॉज पेनलेस ठीक है अब इस बच्ची को इंसेक्ट ने बाइट किया है बट शी इज नॉट फीलिंग पेन सो इट इज पेन लेस द बॉय इज फॉलिंग डाउन बट ही इज़ फीलिंग पेन सो दैट इज पेनफुल अ टेबल इज गि ओवर हेयर सम वर्ड्स आर ऑल्सो गिवन इन कॉलम नंबर वन यू विल एड फुल एंड लेस टू दीज वर्ड्स देर आर समर्ड्स विद विच वी कैन नॉट एड लेस फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी वी विल नॉट से ब्यूटी लेस तो उस जगह पर हमने क्रॉस लगा दिया है आपने भी अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाए तो उसके एंड पे क्रॉस लगा देना है क्लियर

बिल्कुल मायूसी उम्मीद ना होना टेस्ट टेस्टफुल एंड टेस्ट लेस दैट वॉज ऑल फॉर टुडे थैंक्स अलॉड फॉर लिसनिंग द लेसन जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड कंप्लीट योर टास्क इन योर कोर्स बुक